वकील साहब, ये खेल तो आपका फेल हो गया, अब आप क्या करेंगे? अगर हमारा ये खेल खराब हो गया है तो इसका मतलब तुम्हारा बदला भी पूरा नहीं हुआ। सही कह रहे हैं वकील साहब, और वैसे भी हमें तो सबसे पहले सृष्टि से बदला लेना है, हुई तो हमका जेल भिजवा। सृष्टि के बारे में तुम मत सोचो, उसका क्या करना है वो मैं देख लूंगा, तुम बस विद्वान सिंह की फैमिली को बर्बाद करने के बारे में सोचो। हम सृष्टि को छोड़ भी दें, लेकिन सबसे पहले उस घर में हमको रागिनी को बस में करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब खेल चौपट करने वाली वो रागिनी ही है। उसे हल्के में मत लेना वकील साहब, ये सब खेल में वो हमसे ज्यादा शातिर है। शातिर? शातिर वो तब तक थी जब तक उसका सामना शिखर शर्मा से नहीं हुआ था। अब हमने ऐसा प्लान सेट किया है जिसे वो सपने में भी सोच नहीं सकती। कैसा प्लान सोचे हैं वकील बाबू? वो प्लान बताने की चीज नहीं, दिखाने की चीज है। प्लान ऐसा सेट किया है कि तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा और मेरी ख्वाहिश भी। भैया हमें ना वहाँ पर मशीन की छोटी मोटी खराबी भी है ना एकदम दूर कर देंगे, और मजदूरों की हाजिरी भी लगा देंगे, और जो सामान आएगा ना उसकी गिनती करके हम डिलीवर भी करा देंगे। विशु आप हमें एक बार मौका दीजिए, हम है ना आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। देवर जी हम जानते हैं आपको इस साइट के काम का ना बहुत जानकारी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो अपनी भाभी को फोन कर लीजिएगा, क्योंकि का है ना ये ठेकेदारी का जो काम नहीं होता है इसका अनुभव ना हमें आपके भैया से भी ज्यादा है। और फिर भी अगर कोई गड़बड़ करे तो उसको ना एकदम फटाक। प्यार से समझाइएगा, क्योंकि का है ना प्यार में बहुत ताकत होता है। ठीक है भाभी। भैया तो आप हमको लेके चलेंगे ना साइट पर? हाँ हाँ क्यों नहीं लेके चलूंगा, मेरा भाई इतना टैलेंटेड है वो मेरे साथ ऑफिस जाएगा। अभी तुम चलो मेरे साथ नाश्ता करो और हम दोनों साथ में जाएंगे। थैंक यू भैया।